हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा, आज आपको राहु महादशा के विषय में बताऊंगा और ख़ासकर राहु में जिसकी शनि की अंतर्दशा है उसके विषय में बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, राहु जो एक ऐसा रहस्यमय ग्रह होता है जिसके कारकत्व मैंने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे उसके कारकत्व या वो किस किस कारणों के लिए जिम्मेदार होता है ये बताना ठीक नहीं, ये तो वीडियो बहुत लंबा होगा। राहु महादशा सामान्यतः 18 वर्ष की होती है। यदि राहु खराब हो आपकी कुंडली में, यदि राहु खराब हो तो पूरे वर्ष 18 वर्ष समस्या नहीं आती, कुछ समय बहुत क्रिटिकल और ख़राब होता है। राहु रहस्यमय ग्रह है, ग्रह होने के कारण उसका फलादेश बताना, उसके बारे में प्रडिक्शन करना आसान नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर भी कभी इसकी इसके बारे में सही फलादेश नहीं कर पाता, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि राहु अचानक से घटनाएं को घटित करता, अचानक घटनाओं को घटित हो जाती है राहु के समय। खासकर जो गवर्नमेंट में जॉब में हैं वो ट्रैप केस में फंस जाते हैं, करप्शन के मामले में, या विजिलेंस से पकड़ा जाते हैं, या जो व्यापारी हैं उनके यहाँ छापे पड़ जाते हैं और धन का पता लग जाता है ना। तो इस तरीके की घटनाएं होती है। इसके पहले कि मैं आगे अपनी बात कहूँ, महादशा के बारे में, जब आप जब राहु की महादशा के बारे में जाने, तो महादशा क्या होता है इसके विषय में आपको सामान्य जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, राहु महादशा, राहु महादशा का फलादेश और शांति उपाय, मेरे चैनल में जाके आप इसको देख सकते हैं, तो आपको पूरा राहु महादशा क्या होगी बताएगी वह सारी चीज़ें यहाँ रिपीट करना दोबारा ठीक नहीं होगा। राहु में शनि की दशा 2 वर्ष 6 माह लगभग या 30 माह लगभग के चलती है, ठीक है। राहु में शनि की दशा बड़ी लंबी है, थोड़ी कठिनाई देती है, क्योंकि दोनों और पापी ग्रह, राहु भी पापी है और शनि भी पापी है। और यदि हो सकता है आपकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट या शनि की प्लेसमेंट गलत स्थानों पे है, पाप ग्रह से है, पाप करते रही में हो, खराब ग्रह की इन पर दृष्टि पड़ रही हो, तो वो कष्टदायी होते हैं, लेकिन परमानेंट कष्ट नहीं देते, ये तय है। ओके, नेक्स्ट। अब मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपकी कुंडली में राहु की दशा में शनि की अंतर्दशा हो और शनि यदि केंद्र में, त्रिकोण में, स्वराशि का सर्वोच्च राशि के, उच्च राशि का, स्वराशि का, मूल त्रिकोण में, या तीसरे भाव में, 11वें भाव में हो, तो उसकी अंतर्दशा में राजा की सेवा से राजा की प्रसन्नता, मतलब राजा के से प्रसन्नता, आप कह सकते हैं कि आपके जॉब में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं बॉस से फायदे होंगे या सरकार से फायदा होंगे, आप सरकार गवर्नमेंट नौकर, सब डिपार्टमेंट से सरकारी सरकार से फायदे होंगे। घर में विवाह आदि, सिस्टर का विवाह, भाई का विवाह या पुत्र का विवाह, विवाह आदि मंगल कार्य हो सकते हैं। बगीचे, तालाब निर्माण, ये तो पुरानी ज्योतिष की किताब में लिखी है एस्ट्रोलॉजी में, वही के वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ एक्चुअल में क्या लिखा था। अब इसी टर्म का जो है टीवी में या बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर इसको डिफाइन करते हैं, आप आपकी जो भी बिजनेस होगी वहाँ तक की होगी, तालाब निर्माण यानी शुभ शुभ काम कराएंगे, कोई आप दान का डोनेशन का काम कराएंगे, शूद्र वर्ण है धनवान से पशु आदि धन का लाभ, मतलब कुल मिला के लाभ होगा। पश्चिम दिशा की यात्रा हो सकता है, अब्रॉड जाने का आपको अवसर मिल जाए, वहाँ से आपका जरूरत पड़ जाए कि आपको कंपनी में जाना पड़े, बाहर विदेश की यात्रा करने की कभी योग बन सकता है। राहु में शनि का, यदि आपका शनि पॉजिटिव हो और अच्छी प्लेसमेंट हो, शुभ हो शनि आपका, यात्रा से राजा राजा के द्वारा है ना, विदिशा की यात्रा से राजा से द्वारा धन हानि, कुछ मामले में आपको धन हानि की भी बात कही है, आलस से अल्प लाभ और पुनः स्वदेश आगमन आदि, कुल मिला के आप विदेश जाएंगे और आएंगे, कुछ मामले में लाभ, कुछ मामले में हानि, लेकिन कुल मिला के यदि शनि आपका अच्छा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब आपका शनि कैसा अच्छा, आप अपनी कुंडली में कैसे पता करोगे शनि है? देखिए, शनि यदि केंद्र में, त्रिकोण में, सर्वोच्च राशि में, तो ये जो मैं यहाँ जब केंद्र लिखा हूँ ये केंद्र भाव कहलाते हैं, ये जहाँ जहाँ मैंने केंद्र लिख रखा है केंद्र भाव है। शनि की सॉरी, यदि शनि अपनी राशि में हो, ये देखिए, यदि शनि यहाँ रहेगा तो वो नीच का कहलाता है, और यदि यहाँ पे शनि है तो वो जो है तुला में शनि उच्च का कहलाएगा, ठीक है। तो यदि उच्च का हो, शनि केंद्र में हो, तो अच्छी स्थिति। ये देखिए मूल त्रिकोण, यदि शनि यहाँ पे 9वें स्थान पे हो, ये 5वें स्थान पे हो, तो ये शनि की अच्छी प्लेसमेंट कहलाती है। इसके बाद शनि को बोला कि तीसरे स्थान, ये तीसरा भाव दिख रहा है यहाँ पे है ना, तो यहाँ तीसरे भाव में या ये 11वें भाव में शनि हो तो अच्छी प्लेसमेंट, ऐसी प्लेसमेंट में हो, शनि अच्छी दशा में हो, तो निश्चित रूप से राहु की महादशा में शनि का अंतर जो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट, ये तो ये एक सिद्धांत हुआ जो पॉजिटिव वाला सिद्धांत है। अब जो अगला सिद्धांत देखते हैं उसके बारे में बताते हैं। शनि की नीच राशि शत्रु राशि या लग्न से 8वें या 12वें भाव में हो, तो उसकी अंतर्दशा में नीच जन, शत्रु और राजा से भय, स्त्री पुत्र को कष्ट आने, बंधुओं को संताप, कलह व्यापार में कलह, किंतु अचानक
लाभ का भी योग है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी की किताब में लिखा पार्सर ऋषि की मैंने एज इट इज़ उसको लिखा हूँ, तो आपको पता तो लगेगी कि ज्योतिष किताब में कौन सी भाषा लैंग्वेज की। अब इसी को लोग डिफाइन करते हैं, भाई ये सारी चीज़ें तो आज से 3,000 साल पहले ऋषि पार्सर ने ज्योतिष लिखी थी, आज के ज़माने में बहुत सारी चेंज हो गई है, तो इसी को डिफाइन करते रहते हैं और करते हैं नए तरीके से। हजारों प्रकार के अब तो जॉब हो गए, पहले तो जॉब ही नहीं थे। तो ये पूरा जो सिद्धांत है ये नेगेटिव सिद्धांत बता रहा है। यदि शनि आपकी स्थिति में खराब हो, आपकी कुंडली में खराब हो, तो क्या फल मिलेंगे, कैसे बताया शनि को। ये देखिए शनि यहाँ पे मेष राशि में नीच का होता है और शनि 8वां और 12वां हो, तो ये देखिए ये मैंने शनि को 12वें भाव में और 8वें भाव में ठहरा रखे है। और शनि जो है शत्रु राशि में हो, ठीक है, तब मंगल सूर्य चंद्र शनि की शत्रु राशि, ये सिंह राशि शत्रु राशि, कर्क राशि शत्रु और ये मकर राशि शत्रु में, ऐसी स्थिति में शनि हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। और इसके उपाय भी मैं बताऊंगा, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसके उपाय है, प्रभु की प्रार्थना से बढ़कर कोई उपाय दुनिया में नहीं है। दशापति से नेक्स्ट तीसरा सिद्धांत है, दशापति से 6वें 12वें 8वें में या पापयुक्त शनि हो, शनि यदि पापी हो, पाप कर्तरी में हो, पाप ग्रहों के साथ में हो, जैसे शनि मंगल और सूर्य की युति हो तो प्रॉब्लम होती है, पापयुक्त हो शनि हो तो उसके अंतर दशा में हृदय रोग, मान हानि, रिस्पेक्ट कम होगी आपकी, कलह, शत्रु भय, विदेश गमन। देखिए विदेश जाना और आना दोनों लिखा है, मतलब राहु और शनि की दशा में विदेश की बात आती है, विदेश गमन, कोई बीमारी हो जाएगी, खाने को अच्छे से नहीं मिलेगा, अब निश्चित रूप से कष्ट होगा, तो गरीबी आएगी तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। शनि यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो उसकी अपमृत्यु होती है, उस समय में कृष्ण गोदान और महिषदान करने का। दूसरा चीज़ एक बड़ी इसमें से नेगेटिव बात कही है कि जैसे शनि यदि नीच का हो और शनि 8वें और 12वें भाव में हो और शनि यदि ये द्वितीय द्वितीयेश यहाँ पे बैठा हो शनि, ठीक है, यदि यहाँ बैठा हो शनि और यहाँ यहाँ सॉरी यहाँ पे बैठा हो सातवें स्थान पे, ये मार्केश स्थान कहलाते हैं, दूसरा स्थान और सातवां स्थान ये मार्केश कहलाता है, यहाँ पे शनि की प्लेसमेंट हो तो आपको कष्ट होता है। वहाँ पे जो अपमृत्यु भय लिखा है, इसका ये मृत्यु नहीं है, कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, छोटी सी दुर्घटना हो जाती है, उसका हर जगह जहाँ मृत्यु लिखा है उसका मृत्यु का अर्थ ना लगाएं आप लोग, नहीं तो फुकट में भयभीत होंगे और भयभीत होंगे तो लूटोगे पिटोगे। मेरा उद्देश्य आपको लूटने से बचाना है, ये उद्देश्य मेरा ज़्यादा वीडियो बनाने का, कि ये जो लूटपाट मार्केट में चल रही शनि के नाम से आप बचो, ना कि मैं आपको डराना, मैं डराना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई शनि हमेशा आपको नेगेटिव नहीं देगा। अब सभी के जीवन में होता है, एक्सीडेंट हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए उक्त समय में कृष्ण गोदान महिष दान करने से आरोग्य लाभ, ये एग्जैक्ट ऋषि पार्सन ने लिखा है, ऐसा दान की बात कही है। तो भाई हम गरीब आदमी हो तो कहाँ से दान देंगे, हो सकता है ये ज्योतिष राजा महाराजाओं के लिए लिखी हो, राजा के पास खूब महिष काली भैंस थी, वो दान भैंसों का दान देगा, गाय का दान देगा, हम कहाँ से काली गाय कहाँ से लाऊंगा भाई मैं, या आम जनता कहाँ से काली भैंस लाएगी कि दान करेंगे, और भैंस का दान और काली गऊ का दान ये तो संभव नहीं है। तो इसके लिए सरल उपाय मैंने आपको जो सजेस्ट किया है, दान के लिए सरकारी स्कूल में दान, स्कूलों के छत निकल गए हैं भाई वहाँ थोड़ा बहुत दान दे दो, स्कूल बन जाए, बच्चे को पढ़ाई होगी, सरकारी भवन गिर रहे हैं वहाँ दान दे दीजिए आप, है ना। आप यदि गलत कार्य में भागीदार हैं तो तत्काल बंद कर दें, दे सभी ग्रह प्रसन्न। यदि आप गलत कार्य लगातार गलत काम में इन्वॉल्व अपराध कर रहे हो, जैसे आप लंबे समय से टैक्स चोरी कर रहे हो, रेट तो पड़ेगी, उसमें शनि महाराज और राहु क्या करने वाले हैं, आप लगातार चोरी कर रहे हो तो प्रॉब्लम तो आएगी, उसमें शनि और राहु का कोई रोल ही नहीं, आप गलत काम करोगे तो पनिश होगे, इसमें कोई शक नहीं है, उससे ज्योतिष को जोड़ने का महत्व नहीं है, गलत कार्य करोगे तो कानून के शिकंजे में आएगा तो प्रॉब्लम आएगी। गरीब आदमी केवल प्रभु का नाम, अब जो आदमी गरीब है वो कहाँ से काली गाय का दान देगा और भैंस का दान देगा, वो आदमी प्रभु का नाम ले और 1 रुपया भी पंडितों को चोरों को धन न दे, पंडित पुरोहित ठग करने वाले मार्केट बैठे इनको दान न दे, गरीब आदमी को कोई दान देने की जरूरत नहीं है, बेचारे के पास खाने को दान नहीं, दान कहाँ से देगा। अब देखिए ज्योतिष की किताब में कहीं पे भी पाराशर ऋषि ने ये नहीं कहा है कि लाल किताब के टोटके करना, नग नगीने पहनना, नकली वाले 10,000 के, 15,000 के, 20,000 के और टोटके, ये सब कहीं पे भी ऋषि पाराशर ने नहीं कहा। ये कौन आदमी है जो लाल किताब और नग नगीने के टोटके बोलते हैं और राहु की शांति कराते हैं, ये झूठे और बदमाश लोग हैं, इनसे आपको बहुत सावधान रहना। करोड़ों का लगभग 500 करोड़ का सालाना है इनका लूटपाट का धंधा, कई लोगों को डराते हैं और लूटते हैं। अच्छा जो भ्रष्ट किस्म के लोग होते हैं वो टोटके पे बहुत यकीन करते हैं, वो रातों रात चमत्कारिक रूप से धन चाहते हैं, वो रातों रात तरक्की चाहते हैं, तो उनको नगीना चाहिए, टोटके चाहिए, लाल किताब चाहिए, कहेगा कि आप जो है ना घर में 2 लाल ईंट ऊपर रख देना धन आएगा। अरे मूर्खो, साइंटिफिक आप सोचो,
आप थोड़ा तर्क से सोचो ना, कितनी गंदी बात है। मैं आपको ईश्वरीय प्रार्थना के माध्यम से आपकी गृह शांति की बात बताऊंगा, तो हो सकता है मेरे वीडियो लोगों को अच्छा ना लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मेरा वीडियो लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैं ऋषि पार्षद ने जो कहा है, ऋषि पार्षद ने कहा कि ईश्वरीय प्रार्थना करना, तो मैं ईश्वरीय प्रार्थना करने की बताऊंगा आपको। शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ईश्वर की प्रार्थना, नवग्रह स्त्रोतम, और ये सिर्फ आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं, आपके गुरु ने जो मंत्र दिया उसका, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकमहि, इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ें, भागवत का पाठ कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, और आपकी गृह शांति होगी, इसमें कोई जरा सा शक की बात नहीं है। आपके कई बार ऐसा समय अप डाउन चलता रहता है जीवन में, उससे डरने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता वाले जो छात्र हैं, छोटा सा जप पाठ करें, ज़्यादा किसी प्रकार से चक्कर में नहीं रहना, गर्भवती माताएं बिल्कुल ना डरें, गरीब व्यक्तियों कोई दान देने की जरूरत नहीं, ना डरने की जरूरत है। गरीब व्यक्ति का शनि महाराज क्या करेगा, वो तो वैसे ही भूखा नंगा आदमी, भूखे नंगे आदमी का कोई ग्रह नहीं बिगाड़ते कभी भी कुछ। तो आपको सुंदरकांड लगता है, हनुमान चालीसा, भागवत पाठ, गुरु प्रदत्त मंत्र, स्वाध्याय करना, दान जप, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, इनका पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम तो बड़ा मस्त है, मेरा तो आजमाया हुआ है, बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो राहु में शनि की अंतर्दशा का फल, बिना डराए, कोई मेरा बिजनेस नहीं है, मेरे को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपका वीडियो ख़राब लग रहा है तो मेरे को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन मैं गरीब लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, जो बेचारे लूट रहे हैं उन लोगों को, शनि के नाम पर और राहू के नाम पर इतना लूट रहे हैं और उल्टे सीधे टोटके, उससे मैं बचाना चाहता हूँ। यदि जो ईमानदार पर्सन है, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी प्रेरणा मिले और मैं दूसरे लोगों को वीडियो बना सकूं, क्योंकि ये वीडियो बनाने से मैं करोड़ों रुपए नहीं कमा रहा हूं, ना मेरे कोई इतने वीडियो चलते हैं। मैं ऑलरेडी एक सरकारी जॉब में हूं, तो मुझे अच्छा खासा धन मिलता है। आप लोगों से निवेदन है कि यदि सब्सक्राइब करोगे तो प्रेरणा मिलेगी, तो और भी जो शास्त्रोक्त प्रॉपर बातें हैं, जो बिल्कुल रियल बातें हैं, वो बताऊंगा, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और लोग लूटपाट से बचेंगे। और वैसे ही शनि महाराज धनु राशि में चलने वाले हैं, जो आदमी चोरी चकारी करने वाला, सबकी पोल खिलने वाली है। जो व्यक्ति टैक्स चोरी करेगा बड़े बड़े, तो उसके घर में छापे पड़ेगा, उसमें शनि और राहु कुछ नहीं कर सकते, उसके यहाँ तो छापा पड़ना ही चाहिए। हरे कृष्णा।